हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंड ऑल्सो एन्जॉइंग द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आवर स्कूल। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम बैक विद माई न्यू वीडियो एंड गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक काबुली वाला। द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 3 इज काबुली वाला। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, First, we will learn about the author that who wrote this story. This story was written by one of the famous Indian writer Rabindranath Tagore. Beta, I think you all know about Rabindranath Tagore because he is the composer of our national anthem Jan Gan Man. So, let's we learn more about him. Rabindranath Tagore was born 1861 and died 1941. His sobriquet means a nickname, was Gurudev. He was a Bengali polymath who reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with conceptual मॉडर्निज्म इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। इन्होंने बंगाली और इंडियन लिटरेचर को टेक्सचुअल मॉडर्निज्म में कन्वर्ट किया था 19th और 20th सेंचुरी में। हिज कंपोजिशन वर चूजन बाय टू नेशंस एज नेशनल एंथम। टू नेशंस ने इनके कंपोजिशन को नेशनल एंथम चूज किया था, इंडियाज जन गण मन एंड बांग्लादेश अमर सोनार बंगला। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू बी अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज फेमस कलेक्शन ऑफ पोम्स गीतांजलि। सो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑथर ऑफ लिटरेचर हु गॉट नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर एंड ही गॉट द नोबल प्राइज फॉर हिज फेमस कलेक्शन ऑफ पोम्स दैट इज गीतांजलि। सो बेटा, आई होप यू लर्न सम फ्यू लाइन्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी काबुली वाला। काबुली वाला सेट इन द अर्ली 20th सेंचुरी कोलकाता इज अबाउट अ लिटिल गर्ल मिनी एंड अ काबुली वाला। सो टू मेन कैरेक्टर्स वर देयर इन द स्टोरी दैट was Mini and Kabuliwala. Kabuliwala, a fruit peddler from Afghanistan. Fruit peddler means here, जो घूम घूम कर चीज़ों को बेचते हैं, सामान को बेचते हैं. So he was a food peddler from Afghanistan who comes to Kolkata leaving his family behind. He left his family Afghanistan and he came to कोलकाता। ही लव्स मिनी हु रिमेन्स हिम ऑफ हिज डॉटर इन काबुल। मिनी जो एक गर्ल थी छोटी, वो उसे बहुत प्यार करता था क्योंकि मिनी जो थी उसकी डॉटर के जैसे लगती थी जिसे वो काबुल में छोड़ कर आया था। द अफेक्शन बिटवीन दैम ट्रांसेंड्स द बॉर्डर्स ऑफ रेस रिलीजन एंड कंट्री। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी and having affection of Kabuliwala and a little girl Mini. So let's start the story. My 5-year-old daughter Mini cannot live without chattering. So here my is here the father of a little girl Mini. He is describing here the character, feature and the whole event of the story. So, Minnie's father says that my 5-year-old daughter Minnie cannot live without chattering. Chattering, a person who have a nature talk continuously to anyone. She keeps chattering all day long. I often joke that all her life. Minnie has not wasted a single minute in silence because she having a habit of chattering. So, she didn't waste her single minute in a silence. Minnie constant chatter bother her mother so much that she often
कॉक्सिक्स मिनी टू स्टॉप चैटरिंग. उसकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके इस हैबिट से कि ये बहुत ज़्यादा बोलती है. आई अवॉइड टेलिंग मिनी टू स्टॉप चैटरिंग समटाइम हिज फादर अवॉइड टेलिंग मिनी टू स्टॉप चैटरिंग. आई थिंक इट इज़ वेरी अननेचुरल फॉर माई डॉटर टू बी क्वाइट एंड आई कैन नॉट बेयर हर साइलेंस फॉर अ लॉन्ग. हैंस I always keep my conversations with her as lively as possible. यानी कि मिनी के जो फादर थे उन्हें उसकी चैटरिंग बहुत पसंद थी और वो उसे कभी चुप नहीं देख सकते थे, इसलिए वो अपने कॉन्वर्जेशन इट मीन्स उसके साथ बातचीत करते रहते थे. वन मॉर्निंग लिटिल मिनी केम इन टू माई रूम एंड प्लेसिंग हर हैंड ऑन माई हैंड शी सेड फादर राम दयाल द डोर कीपर calls a crow a kauwa. He doesn't know anything, does he? तो एक सुबह मिनी अपने फादर के रूम में आती है और उनके फादर के हाथ पे हाथ रखकर उनसे पूछती है कि उनका जो डोर कीपर है राम दयाल वो क्रो को कौवा कहता है, क्या वो सही है? बिफोर आई कुड गेट डाउन टू एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड शी मूव ऑन टू अनादर सब्जेक्ट. जब मिनी के फादर सोचते हैं कि वो उसे इसका आंसर दे, उसी वक्त मिनी उस सब्जेक्ट को ही चेंज कर देती है, उस टॉपिक को ही चेंज कर देती है. वॉट डू यू थिंक फादर बोला सेज दैट देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स. द एलिफेंट ऑफन ब्लो वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक एंड दैट व्हाई इट रेन्स. नाउ मिनी रेज सेकेंड अनादर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ हर फादर के बोला ये बोलता है कि जो क्लाउड्स है देयर इज एन एलिफेंट, वहाँ पे एक एलिफेंट है जो अपनी ट्रंक सूंड के अंदर वाटर ब्लो करता है और उसके बाद रेन होती है. व्हाइल आई सिट स्टिल ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन आंसर मिनी चेंज द सब्जेक्ट अगेन. अब मिनी के फादर वापस सोचते हैं कि वो किसी तरह उसकी क्यूरियोसिटी को स्टॉप करे. मिनी वापस से अपने सब्जेक्ट को चेंज कर देती है. फादर व्हाट रिलेशन डज मदर हैव विद यू शी क्वेश्चन मी. एट लास्ट आई सॉमनली मीन्स हेयर स्माइल करके सेट गो एंड प्ले विद बोला. मिनी आई एम बिजी. उसके फादर बहुत कामली बहुत हैप्पीली एक प्यारी सी स्माइल करके उसे कहते हैं कि आप जाओ और जाके भोला के साथ खेलो बिकॉज राइट नाउ आई एम बिजी. Instead of stepping out, Minnie sat down on the floor near my feet and started drumming her fingers on her knee. I continued to work, keeping a close watch on her. अब जब उसके फादर उसे कहते हैं कि आप जाओ और भोला के साथ खेलो तो मिनी जाने के बजाय वहाँ ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने नी पे ड्रमिंग करने लग जाती है अपनी फिंगर से और उसके जो फादर होते हैं वो उसको वहाँ से ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं. वन मिनट मिनी वॉज ऑन हर फीट शी रैन टू द विंडो एक्सक्लेमिंग काबुली वाला. एज आई वॉक टू द विंडो आई नोटिस्ड अ काबुली वाला इन द स्ट्रीट बिलो. ही वोर लूज सॉलिड क्लोथ्स एंड हैड अ हाई टर्बन ऑन हिज हेड. He was carrying a bag on his back and in his hand was a box of nuts. So, जैसे मिनी विंडो के पास जाके चिल्लाती है काबुली वाला तो मिनी के फादर उसके पास जाते हैं और काबुली वाले को देख के नोटिस करते हैं उसके अपीरियंस को कि उसने एक सॉलिड क्लोथ पहना हुआ है, सर पे बहुत बड़ा टर्बन मतलब पगड़ी बांधी हुई है और उसने एक बैग कैरी कर रखा है, उसके हाथ में एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे नट्स हैं. मिनी कॉल्ड आउट लाउडली टू काबुली वाला. ही टर्न्ड अराउंड एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड. अब मिनी काबुली वाले को जोर से आवाज़ लगाती है, काबुली वाला वापस आता है और वो उस चाइल्ड को देखने लगता है. मिनी गॉट स्केयर्ड एंड रन अवे. मिनी जो है उसे देख कर डर के वहाँ से भाग जाती है. Somebody has once told Minnie that inside the Kabuliwala's bag there were little children like her. Minnie felt that Kabuliwala went to different homes and took away their children in his bag.
मिनी इस बात से डर जाती है कि उसको किसी ने कहा था कि काबुली वाला जो बैग कैरी करके रखता है उसके अंदर उसके जैसे कुछ बच्चे हैं। काबुली वाला अलग अलग घर पे जाता है और वहाँ से इन सब बच्चों को लेके अपने बैग में रख लेता है और वहाँ से ले जाता है। एज मिनी हैड कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला ही स्टॉप्ड एट द एंट्रेंस टू माई हाउस। माई रेफर्स हियर मिनीज फादर। आई डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एंड बाय समथिंग फ्रॉम हिम। द मिनट द काबुली वाला सॉ मी ही ग्रीटेड मी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। अब मिनी ने क्योंकि काबुली वाला को आवाज़ लगाई थी तो वो उनके एंट्रेंस डोर पे आके खड़े होते हैं और मिनी के फादर जो हैं वो सोचते हैं क्यों ना मैं इन्हें इनसे कुछ खरीद लेता हूँ। काबुली वाला बहुत ही स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करता है। आफ्टर आई हैज़ परचेज सम नट्स फ्रॉम हिम द काबुली वाला आस्क्ड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर। आई कॉल आउट टू मिनी स्टिल स्केयर्ड शी स्टेप्ड आउट एंड क्विकली हाइड बिहाइंड मी। द काबुली वाला पोलाइटली ऑफर्ड हर सम नट्स हाउ एवर दैट एडेड टू हर फेयर। नो अटेम्प्ट बाय द नट्स शी ओनली क्लंग क्लोजर टू मी। अब काबुली वाला उस बच्ची को देखता है और उसके फादर से पूछता है मिनी के कि वो बच्ची कहाँ गई। उसी वक्त मिनी के फादर उस बच्ची को बाहर बुलाते हैं पर मिनी बहुत ज़्यादा स्केयर्ड है, डरी हुई है और वो अपने फादर से क्लंग मतलब टच होकर ही खड़ी हुई है। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग। सो दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन काबुली वाला एंड द लिटिल गर्ल मिनी। हाउ एवर अ फ्यू डेज लेटर आई वॉज स्टार्टर टू फाइंड मिनी सीटेड ऑन अ बेंच नियर द डोर लाफिंग एंड टॉकिंग विद द काबुली वाला। और कुछ दिन बाद मिनी के फादर ये ऑब्जर्व करते हैं कि मिनी अपने डोर पे बैठ के काबुली वाले के साथ खूब सारा हंस रही है और उनसे बातें कर रही है। द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल ड्रेस वॉज स्टफ्ड, स्टफ मतलब फुल विद ऑलमंड्स एंड रेजिन्स, रेजिन्स मीन्स हेयर किशमिश गिफ्ट फ्रॉम हर न्यू फ्रेंड द काबुली वाला। नाउ काबुली वाला एंड मिनी बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स। और काबुली वाला उसे बहुत सारे ऑलमंड्स यानी कि बादाम और राइसिन्स, राइसिन्स मीन्स किशमिश खाने के लिए देते हैं एज अ गिफ्ट। वाई डिड यू गिव हर दोस आई आस्क्ड ऑफरिंग हिम 8 अनाज। अब मिनी के जो फादर हैं वो उससे पूछते हैं कि आप इसे ये क्यों देते हो और उसे ऑफर करते हैं 8 अनाज। द मैन हेयर काबुली वाला एक्सेप्टेड द मनी विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। काबुली वाला मिनी के फादर से वो मनी एक्सेप्ट मतलब ले लेते हैं और कुछ आर्ग्यू नहीं करते। अलास ऑन माय रिटर्न एन आवर लेटर आई फाउंड मिनी प्लेइंग विद द 8 अनाज दैट आई हैड गिवन द काबुली वाला। हाफ एन आवर के बाद सॉरी आर वन आवर बाद उसके फादर देखते हैं कि मिनी जो है उन 8 अनाज के साथ खेल रही है जो उसने काबुली वाला को दिए थे। वेन मिनीज मदर सॉ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट इन मिनीज हैंड शी रिएक्टेड शार्पली। वेयर यू गेट दोज 8 अनाज फ्रॉम शी क्वेश्चन मिनी। एट द सेम टाइम मिनी की मदर भी उसे उन 8 अनाज से खेलता हुआ देखती है और मिनी को डांटती है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, अनाज कहाँ से आए। द काबुली वाला गेव इट टू मी सेड मिनी चीयरफुली। मिनी आंसर देती है बड़े ही प्यार के साथ कि मुझे ये रुपीस काबुली वाला ने दिए हैं। सो बेटा दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। रीड दीज टू पेजेस, पेज नंबर 35 and 34 and 35। फाइंड द हार्ड वर्ड्स, राइट दैम इन योर नोटबुक। If you have any query, write it in the comment box. Okay? Bye-bye. Have a nice day.